दोस्तों आज हम बात करेंगे तहसील डस्का जिला सियालकोट के छोटे से गांव बोगरा के बारे में जो कि जरी लिहाज से अपनी मिसाल आप है। इस गांव में गंदम चावल गन्ना और आलू वगैरह की काश्त कसरत से की जाती है जिसको लोग बेचकर अपना जरे मुबादला कमाते हैं। तो चलें हम आपको आज इस गांव की सैर करवाते हैं। ये रास्ता गांव में दाखिल होने और गांव से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रास्ता गांव से निकलकर एमनाबाद रोड जो कि सियालकोट से लिंक करता है जा मिलता है। गांव से बाहर शुमाल की तरफ एक छोटी सी मार्केट है जहां पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ मैसर है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स खाने पीने की तमाम अशिया और मैकेनिकल की दुकानें भी मौजूद हैं जिनसे इस गांव के लोग और गिरदोनवा के लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। ये रास्ता बोगरे गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है, मिसाल के तौर पर आदम के नांगरा, काले के नांगरा, पड़ोपी नांगरा वगैरह। ये रास्ता भी गांव के बाहर से होता हुआ गांव के मेन रोड को जा मिलता है, वो मेन रोड जो कि एमनाबाद रोड से लिंक करता है। ये रास्ता गांव के बाहर वाकया है जिसे लोग अपने खेतों में आने जाने और दूसरे गांव में आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ता भी गांव का बैरूनी रास्ता है जो कि गांव के मेन रोड को जा मिलता है, वही मेन रोड
जो इमनाबाद रोड से लिंक है। यह गांव की छोटी सी गली गांव की मेन मार्केट के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये छोटी सी गली भी छोटी मार्केट का रूप अख्तियार कर चुकी है। ये गांव की अंदर की गलियां हैं। गांव की हिस्ट्री क्योंकि बहुत पुरानी है, इसलिए गांव की गलियां भी बहुत छोटी छोटी हैं। गांव में तीन बड़ी मस्जिद हैं, जिनमें से ये एक है। ये गांव के अंदर का हिस्सा है, जहां पर लोग छोटी छोटी दुकानें बनाकर अपना रोजगार कमा रहे हैं। ये गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है, जो कि बोगरे गांव में वाकया है। यहां पर बच्चियां अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करती हैं। गांव में लड़कों के लिए प्राइमरी और हाई स्कूल भी मौजूद है, जो कि अपनी तलीमी काबिलियत की वजह से इलाका भर में अपना मुकाम रखता है।
स्कूल के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा हाता ग्राउंड के तौर पर छोड़ा गया है, जहां पर लड़के अपनी इंटरटेनमेंट करते हैं। यहां पर लड़के खेल कूद में मसरूफ रहकर अपनी सेहत को बरकरार रखते हैं। यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, जहाँ पर बच्चे अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं। ये गांव की जामे मस्जिद है। ये मस्जिद मार्केट के करीब है, इसलिए यहाँ नमाजी काफ़ी तादाद में आते हैं। गांव बड़ा होने की वजह से यहाँ पर 3 मस्जिद हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।